गर्मी से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं ना फ्रेंड्स, तो आइए आज बनाते हैं इस फालूदा मिक्स को घर पर बहुत आसान तरीके से, जो कि बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छी बनेगी और जब फालूदा मिक्स हम लाते हैं मार्केट से रेडीमेड वाली, उससे भी बहुत ज़्यादा अच्छी बनेगी। तो इसे घर के सिंपल सामान से बनाया है, तो समर को बीट करने के लिए बहुत अच्छी रेसिपी है। आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने चिया सीड्स 2 छोटे चम्मच भिगा कर रखा है और 5-6 काजू और 5-6 बादाम को 1 घंटे पहले भिगा दिया था। बादाम का छिलका उतार कर काजू के साथ इसे ग्राइंडर जार में डालेंगे। इसका हमें फाइन पेस्ट चाहिए। इस रेसिपी के लिए हमें 2 कप दूध लगेगा। ये 2 आदमियों के लिए बना रही हूँ, इसलिए इसी 2 कप दूध में से थोड़ा दूध हम ग्राइंडर जार में डालेंगे और थोड़ा कप में अलग निकालेंगे, जिसका इस्तेमाल हम आगे करेंगे। अब काजू और बादाम का पेस्ट बना लेते हैं दूध के साथ। तो ये फाइन सा पेस्ट बनकर तैयार है। अब कप वाले दूध में हम 1 चम्मच मिल्क पाउडर और 1 चम्मच कस्टर्ड पाउडर डालेंगे और इसकी एक स्लरी बनाकर साइड में रखेंगे। जो 2 कप हमने दूध लिया था उसमें से जो बचा हुआ दूध है उसे गर्म होने के लिए रख दिया गैस पर। इसमें हम 2 टेबल स्पून शक्कर डालेंगे। मैंने यहाँ पर कम शक्कर का इस्तेमाल किया है क्योंकि आगे जो चीज़ें हम डालेंगे फालूदा मिक्स में उससे काफ़ी मीठा हो जाता है, तो इसलिए। अब दूध में बॉयल आ गया है तब इसमें हम नट का जो पेस्ट हमने बनाया था वो डालेंगे और कस्टर्ड पाउडर और मिल्क पाउडर का जो स्लरी बनाया था वो भी डालेंगे और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हुए लो फ्लेम पर 5 मिनट तक पकाना है, जिससे कि बहुत ही टेस्टी रबड़ी बनकर तैयार हो जाएगी। तो ये एकदम गाढ़ी और मलाईदार रबड़ी बन जाती है। जब ये हो जाए तब इसे ठंडा करके 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे और बिल्कुल चिल कर लेंगे। अब हम फालूदा बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने वर्मीसेली ली है, जो रेगुलर वाली सेवई होती है हमारी, वही कच्ची है, ये भुना नहीं है। 1 कप पानी में इसे बॉईल करेंगे। जब ये सॉफ्ट हो जाएगा तब इसका पानी रिमूव कर देंगे और इसके ऊपर ठंडा पानी डालेंगे ताकि ये आपस में चिपके नहीं। तो ये एकदम आसानी से फालूदा भी बनकर तैयार हो जाती है। अब हम फालूदा मिक्स को असेंबल करेंगे। हमारी रबड़ी भी ठंडी हो गई है यहाँ पर। तो ग्लास में सबसे पहले सोक किए हुए चिया सीड्स डालेंगे। इसके ऊपर जो फालूदा हमने बनाकर रखा था सेवई से वो डालेंगे। आप सोच रहे होंगे ये दोनों चीज़ें तो फीकी हैं, लेकिन ये बाद में फीकी नहीं लगेंगी, काफ़ी मीठी हो जाती हैं। तो आगे देखते जाइए इसमें क्या क्या मैंने ऐड किया है। इसके ऊपर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। तो किशमिश, पिस्ता और बादाम लिया है यहाँ पर मैंने। किशमिश बहुत अच्छा लगता है इसमें, तो किशमिश ज़रूर डालें। बादाम और पिस्ता के कतरन लिए हैं और थोड़े से टूटी फ्रूटी भी हम ऐड करेंगे, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। अगर आपके पास है तो डालें, वरना इसके बिना भी ये फालूदा मिक्स अच्छी बनेगी। अब हम 1/2 ग्लास रबड़ी से भर देंगे। अब इसके ऊपर फिर से चिया सीड्स डालना है, फिर से थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डालेंगे और जो बचा हुआ फालूदा है वो पूरा आधा आधा इसमें डाल देंगे। चौथाई का वर्मीसेली मैंने बॉईल किया था तो ये पूरा यूज हो जाएगा इस टाइम पर। अब इसके ऊपर हम रोज सिरप डालेंगे। तो मैंने यहां पर रू अफजा लिया है, आप कोई भी रोज सिरप ले सकते हैं। ये बहुत ज्यादा मीठा होता है तो इसीलिए मैंने रबड़ी को हल्का मीठा रखा है। बाद में ये मिक्स होने के बाद एकदम सही मीठा हो जाता है हमारा जो फालूदा मिक्स है वो। अब हम इसके ऊपर कोई भी आइसक्रीम डालेंगे जो हल्के फ्लेवर वाली हो, यानी कि वैनिला या स्ट्रॉबेरी। चॉकलेट आइसक्रीम इसमें नहीं चलेगी क्योंकि उसका टेस्ट एकदम अलग होता है, तो ये फालूदा मिक्स के लिए सही नहीं रहता है।
क्योंकि हमने इसमें रोज सिरप डाला है, तो उसके साथ स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम या वैनिला आइसक्रीम का ही कॉम्बिनेशन सही रहता है। तो पूरे ग्लास को आइसक्रीम से भर देंगे, उसके ऊपर थोड़ा सा रोज सिरप और डालेंगे, इससे फालूदा मिक्स देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा। आप ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं इसके ऊपर और थोड़ा थोड़ा चिया सीड्स भी डाल देंगे। सबसे ऊपर टूटी फ्रूटी से गार्निश करें और ये बहुत ही डिलीशियस फालूदा मिक्स बनकर तैयार है। आप इसे एंजॉय करें, गेस्ट के आने पर भी सर्व करें। और रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लें। मिलते हैं फिर से एक नई रेसिपी के साथ।